सब सहमत हैं, नहीं तो फजीती वाली बात हो जाएगी, उदयपुर की रक्षा होनी चाहिए। वो जाट गया महाराज, और उस नटनी का जो बच्चा सो रहा था, उस बच्चे का चूंटिया मारा है ना, चिमटी मारी, चिमटी मार दी, बच्चा रोया, बच्चा जगा, अचानक बच्चा बहुत रोया, और माँ को मालूम हो जाता बच्चा दुख में रो रहा है या सेज में रो रहा है। उसका रोना सोना उस माँ ने, और उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो धड़ाम से पानी के अंदर जा गिरी, अथा पानी के अंदर समाधि उसकी हो गई। तो माँ अपने बच्चे का दुख, बच्चे का रोना नहीं सहन कर सकती, या नानी भाई के सामने वो भी प्रसंग आ खड़ा हुआ कि महाराज वो नन्ना बालक वो रो रहा है, लेकिन रोते हुए बालक को भी छोड़ करके, और वे पानी लाने के लिए पानी के बहाने वहां से निकल पड़ी। और अब महाराज समय कम, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पद गाऊंगा, दो दो चार लाइनें गा पाऊंगा, पूरा नहीं गा पाऊंगा। तो सरवर पानी देने चाली है माई, नरसी ने तारी बाल, जल भर के डूब मर जाऊं है माई, नरसी ने तारी बाल की। तो सरवर पानी डाने चालिए माई, में तो सरवर पानी डाने चालिए माई, नरसी में तारी डावड़ी, हेरे नरसी में तारी डावड़ी। सुरो जी मारो गणो भगतावन, सुरो जी मारो गणो भगतावन, मैं तो बाबल निरदन पायो है माय, मैं तो बाबल निरदन पायो ये माय, नरसी में तारी डावड़ी, नरसी में तारी डावड़ी। तू तो सरवर पानी डेने चाली है माय, हूँ तो सरवर पानी डेने चाली है माय, नरसी में तारी बाल की, नरसी में तारी डाल, जल भर के डूब मर जाऊं है माई, में तो जल भर के डूब मर जाऊं ये मारी माँ, नरसी में तारी डावड़ी, हेरे नरसी में तारी डावड़ी, नरसी में तारी डावड़ी डावड़ी। कृष्ण भगवान की जय, नरसिंह जी महाराज की। नानी बाई जल का कलश लेकर के वो तालाब पर गई है, वह सरोवर के ऊपर खड़ी हो गई, और आपने महाराज विचार करे मैं क्या करूं, वापिस जल भर के घर जाऊं अथवा डूब के मर जाऊं। अपनी माँ याद आ गई और माँ को संबोधित करके कहती है, माँ मैं क्या करूं, मैं यहां सरोवर के ऊपर खड़ी हूं, नरसिंह मेहता की बेटी हूं, जल भरूं या डूब करके मर जाऊं। हे मां, ससुर जी मेरे बहुत अच्छे हैं, स्वभाव तो तेज है लेकिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा पति है वो कुछ अलग स्वभाव का है, और मेरा पिता है बहुत गरीब है, दिवराणी जटणी हमारे मेणा ही देवे, दिवराणी जटणी हमेशा मुझे जो है तंग करती, परेशान करती, झगड़ा करती रहती है, और सासू ननंद सतावे माय, हे माँ मेरी सासू और ननंद मुझे बहुत परेशान करती है मायरे के लिए, पड़ोसन प्रेमी लड़े दी, तो नहीं भी एक प्रेमी भाई है पड़ोस में, वो तो नित्य प्रति लड़ती है, उसका तो नियम ही हो गया लड़ने का, और बलती में पूर्ण नेके माय, कहीं बात शांत होती हो उस समय आगे ऐसा कुछ लब्ध बोलती है कि झगड़े को वापिस उत्पन्न कर देती है। देवरियो दूत हो और फिर निपुत हो, एक मेरा देवर है नारायण,
तो उसके कोई बेटा नहीं, संतान नहीं है, लेकिन वो तो जो है ससुर जी को जाकर के मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कहता सिखाता है। लेकिन ससुर जी बहुत अच्छे हैं, सपूता है, एकन माने देवरी पाछो आवे माए। जब ये ससुर जी बात नहीं मानते हैं तो वो मुंह जो है पिसका करके वापिस आ जाता है। हे माँ मैं क्या करूं, मैं डूब कर मर जाऊं अथवा वापिस पानी भर करके घर जाऊं। हे माँ मेरे जामन जाए भाई नहीं है, मेरे माँ जाए कोई भाई नहीं है, अमर कौन मन धीर बंदावे माए, मुझे कौन धैर्य दे और कौन आज आकर के चीर उठाए, मारे तो नहीं छे जन्म की माए। हे माँ मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ नहीं है, मन कौन हिमड़े लगाए माए, मुझे हृदय से कौन लगाए, छाती से कौन चिपकाए, मुझे कौन माँ का प्यार दे, मैं यहाँ आपके डूब करके मर जाऊंगी, मैं वापिस नहीं जाऊंगी। इस प्रकार अनेक तरह से नानी बाई महाराज विलाप करती है, आखिर में कहती है मारे तो नहीं थे मामो न मोसालो, ना मेरे मामा है ना मोसो है ना फूफा है, मेरे कोई नहीं है, मारो सावण काल सुधारे माए। सावण से भी काम सुधारे तो एक सिर्फ मार्ग है, क्या तो सावणियों काल सुधारे, नहीं तो पर्दन पास जाऊंगे माए। या तो सावण से आएगा काम सुधारेगा, नहीं तो मैं वापिस नहीं जाऊंगी, इस जल में डूब करके मर जाऊंगी। ये नानी भाई ने निश्चय कर लिया और नानी भाई यही कह रही और कुछ याद आ गई। एक जमाना वो था, मेरा बाप के ठाट बाट थे, सरवरिये की तीर उभीवा नानी नीर बहावे है, सरवरिये की तीर उभीवा नानी नीर बहावे है, माँ का जाया बीर बिना कुण बात वरण ने पावे है, माँ का जाया बीर बिना कुण बात। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो तो, एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो तो, अन्न धन का भंडार गणेरा और चोर नहीं पायो तो, अन्न धन का भंडार गणेरा और चोर नहीं पायो तो, ऊंचा ऊंचा महल महलिया नगर सेठ कहलायो तो, ऊंचा ऊंचा महल महलिया नगर सेठ कहलायो तो, अनगिनती का नौकर चाकर याद मने सब आवे है, अनगिनती का नौकर चाकर याद मने सब आवे है, सरवरियारी पाल खड़िया नानी नीर बहावे रे, माँ का जाया पीर बिना कुणी बात वरण ने आवे रे, जमन जाया पीर बिना कुणी बात वरण ने आवे। लाड प्यार में पली लाडली बड़ा गरा में ब्याई थी, लाड प्यार में पली लाडली बड़ा गरा में ब्याई थी, दान दाए जो हाथी घोड़ा दास दासिया लाई थी, दान दाए जो हाथी घोड़ा दास दासिया लाई थी, सोना चांदी हीरा मोती गाड़ा भर भर लाई थी, सोना चांदी हीरा मोती गाड़ा भर भर लाई थी, बाता याद करूं जद हिमलो भर भर आवे है, बीती बाता याद करूं जो हिमलो भर भर आवे है, सरवरिय की तीर उभीवा नानी नीर बहावे है, सरवरिय की तीर उभीवा नानी नीर बहावे है, माँ का जाया बीर बिना कुण बात वरण में आवे, माँ का जाया बीर बिना कुण बात वरण में आवे, सरवरियारी पाल खड़िया नानी नीर बहावे रे, सरवरियारी पाल खड़िया नानी नीर बहावे रे, जामन जाया पीर बिना कुणी बात वरण ने आवे रे, तेरे भरोसे सेठ सावला बोलो बाबुल आयो है,
तेरे भरोसे सेठ सामरा बोलो बाबुल आयो है गोपी चंदन और तुमड़ा दादा ने संग लायो है गोपी चंदन और तुमड़ा दादा ने संग लायो है घर घर मांगत फिरे सूर्या पारो मान घटायो है घर घर मांगत फिरे सूर्या पारो मान घटायो है देवरिया मन ताना मारे नंदन जीव जलावे देवरियो मन ताना मारे नंदल जीव जलावे सरवरिया नी पाल करिया नानी नील बहावे माँ का जाया वीर बिना बात वरण ने आवे माँ का जाया वीर बिना बात वरण ने आवे बात वरण ने आवे बात वरण ने आवे कृष्ण चंद्र भगवान की जय नरसिंह जी महाराज की जय कृष्ण महाराज नानी बाई अनेक शब्दों के माध्यम से विलाप कर रही है अब महाराज या तो परमात्मा सावल भाई आएगा नहीं आएगा तब मैं वापिस नहीं जाऊंगी इस प्रकार नानी बाई ने पक्का निश्चय कर लिया और महाराज खाली गड़ा लेकर के खड़ी है खाली चुक लियो हाथ में उबी सरोवर पाड़ चुकलियो जस जद जाबस्यू जब आसी गोपाल ये घड़ा लेके खड़ी हो जब तभी भरूंगी जब सावल से आ जाएगा अनेक पद्य गाए हैं अजी महाराज बालाजी ने उबी जो बाटड़ी अनेक पद गाने के बाद में अब नानी भाई तालाब की पाल पर खड़ी है और खड़ी रह करके और महाराज एक आम का वृक्ष है उसमें तोता बैठा है उस तोते को समुद्र करती है भाई तोता जगत में कोई दूसरा मेरा है नहीं तू मेरा धर्म का भाई है तू मेरे धर्म का भाई है और तू मेरी मदद कर कहीं सांवल बीरा तुझे आता दिखाई देता है क्यों मैं तो बहुत दूर क्यों तुझे दूर की दे दिखाई तू ऊपर बैठा है ना इसलिए तू देख उबी बाई सरवर पाल उबी बाई सरवर पाल ऊंची चढ़ने नीची उतरे हो राम ऊंची चढ़ने नीची उतरे हो राम अमर लारी गेरी गेरी चाय अमर लारी गेरी गेरी चाय जिन चढ़बे तो जी सुवट हो राम उभी बाई सरवर पाल उभी बाई सरवर पाल ऊंची चढ़ने नीची उतरे ऊंची चढ़ने नीची उतरे हो राम सुवटड़ा रे धर्म राबी सुवटड़ारे धरमरा वीर देख झूलरिया में आव तो देख झूलरिया में आव तो सुवो बैठो बैठो तो की जाए सुवो बैठो बैठो तो की जाए पश्चिम दिशा दिशा मोजो बियो हो राम साजी समझो यो जीनी जीनी उड़े जी गुलाल जीनी जीनी उड़े छे गुलाल जम के जूनागढ़ रामार गाहो राम जम के जूनागढ़ रामार गाहो राम जम के जूनागढ़ रामार गाहो राम कृष्ण भगवान की जय नरसिंह जी महाराज की नानी बाई सरोवर की पाल के ऊपर तालाब की पाल के ऊपर खड़ी हो गई आम के वृक्ष में एक तोता बैठा हो तोते को कहती है सुवट रारे धर्म रारे वीर देख जुलरिया नहीं आओ तो हे तोता तू मेरा धर्म का भाई है और तू ऊपर भी बैठा है तो तू मुझे बता कोई पश्चिम दिशा की ओर देख कोई आ रहा है कोई रथ वाला आ रहा है
सुए ने, तोते ने नानी भाई की बात पर जो है विचार किया और आदर दिया और सुओ बैठो बैठो टोकी जाए। सुआ और भी ऊपर की टहनी पर जाकर बैठा और पश्चिम दिश के और देखा और देखा, उसने कहा झिणी झिणी उड़े जी गुलाल। बोले झिणी झिणी बहुत गुलाल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जूनागढ़ की ओर से कोई आ रहा है और रथ है उसमें कलश लगे हुए हैं और बैलों के गले में जो टोकर उनकी आवाज आ रही है और महाराज घोड़ों के गलों में जो गुगरमाल होती है उसकी भी आवाज आ रही है। इस प्रकार नानी भाई को कहा कोई आ रहा है, रथ बैठा जी गोपाल, रथ में गोपाल बैठे हैं, रूप निहारियो रण छोड़ को भगवान का सुंदर सौंदर्य देख करके। और महाराज जब तोते ने बताया तो तत्काल नानी भाई रास्ते पर आ गई, जो तालाब की पाल थी पाल से उतर करके रास्ते पर आकर के खड़ी हो गई और महाराज पूछे कठेरा छो सरदार किंडे जाशु बीरा पावना, कह दो भाबज मन की बात थाना तो गीत सुहावना। रिद सिद्धारी जी है गीत गाती है, उनसे नानी मैंने पूछा आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और ये गीत गा रहे हो, किसकी गीत गा रहे हो और ये कौन है दुर्गत में बैठे ये। ऋषि ने कहा प्रभु जी छे मथुरा सिरदार, ये परमात्मा जो बैठे हैं श्री कृष्ण मथुरा के तो है सरदार और द्वारापति का राज भी और द्वारकाधीश है, द्वारका के ये राजा साहब है और वसुदेव जी समृद्ध पुत्र, वसुदेव जी के सामर्थ्यवान बेटे हैं और देवकी रा छे भाई डी करा और देवकी का लाडला बेटा है और राधा रानी रुक्मण सिरमोड़ और रुक्मणी रानी के सिरमोड़ हैं और सावन सा यारो नाम से इनका सावन सा नाम है। और श्रीरंग जी रामिजमान हम श्रीरंग जी के यहाँ मेहमान आए हैं और नरसिंह मेहता संग पावना नरसिंह जी के संग हम पावने आए और भरणो मायरो अंजार, हमको अंजार में मायरा भरना है, जिंडा वो वीर गीत सुहावना जिनके ये हम सुहावने गीत गा रहे हैं। नानी भाई कसी मारो चाव, नानी भाई हमारा बहुत चाव करेगी इन भी गीत सुनावना, इसलिए हम ये मंगल गीत गा रही है। इतना सुनना था नानी भाई हर्षित हो गई। उमंगी बाई उमंग सुन रिद सिद्ध की बात, जल भरती थी छान के अणछाणियों ले जाए, इतना हर्ष हुआ कि पानी को कपड़े से चाल करके ले जाती थी लेकिन आज बिना चाले ही ले गई। शास्त्र कहता वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, जल की पवित्रता वस्त्र के चालने से होती है, वस्त्र को चालने से जल पवित्र होता है, लेकिन नानी भाई ने आज बिना छाने ही जल भर लिया। और नानी भाई घर पर गई और सासू से कहा सासू जी मायर आ गया है, मेरा श्रवण भाई आ गया है, तो सब हंसने लगे ये तो पगला गई है। नानी बाई का वचन सुनो हंसी कुटुंब की नार, सास हंसी नणंदल हंसी हंसियो नगर अंजार, सास हंसी नणंद भी हंसी पूरा नगर अंजार हंसने लगा कि देखो ये तो हमारी बहू पगला गई है, इसको कुछ होश नहीं है, रात दिन सपने यही देखती है, जगत की रीत है गरीब को सब हंसते हैं, निर्धन को सब जग हंसे ये पुरातन रीत, सुख सारण प्रभु को प्रिय अंतर साची प्रीत। नानी बाई हर कर चढ़ी तिखंडे जाय, सासु ननद ने यो कहे तन देऊ वीर बताय, ओ तन देऊ वीर बताय। नानी भाई बोली जी देखो सासु जी आप भले ही हसो अब तो मेरे पीर का परिवार आ गया है ना, देखो जी सासु जी मारे पीहर रो परिवार, देखो जी सासु जी मारे पीहर रो परिवार, रथ में बैठो सांभळ बीरो वो जाया छेला, रथ में बैठो सांभळ बीरो वो जाया छेला, बीरा जी की पाग ऊपर सेवरो फड़के, बीरा जी की पाग ऊपर सेवरो फड़के, जाया काशीस ऊपर चुंदड़िया चढ़के,
मोजाया के शेष ऊपर चुंदड़ियां छिड़के मोतिया हंदी झालरी ने हीरा हंदी लूम मोतिया हंदी झालरी ने हीरा हंदी लूम बीराज का रतड़े रोजल के छो बीराजी के रतड़े को जल के जो जल के जो जल के जो नानी भाई बोली सासू जी मेरे पीहर का परिवार आ गया। देखो जी सासू जी मारे पीर रो परिवार रथ में बैठो सावण बीरो रथ में मेरा सावण भाई बैठा है भोजाया छेलार और रथ में देखो पीछे मेरी भोजाएं बैठी है बीराजी की पाग ऊपर से उरो भलके मेरा भाई सावण सा उसके जो है सिर के ऊपर जो है मुकुट पहना हुआ है उसको सेवरा पहना हुआ है उसको देखो आप कितना वो जो है भलभलाट जो है कर रहा चमक रहा है भोजाया का शीश ऊपर चुंदड़ियां छिलके और मेरी भोजाइयों के ऊपर जो चुंदड़ी ओढ़ी हुई है वो कैसी सुंदर है देखो आप मोतिया हंदी झालरी ने हीरा हंदी लू बीरा जी का रथड़ा जल के जो जूम और मेरे भाई का रथ भी कितना सुंदर है। ये मेरे पीर का परिवार आ गया है। नानी भाई ने जब ये कहा तो महाराज विश्वास नहीं हुआ उनको। अनंत उपमा आपकी कभी ने सके कच्छ गण मोला रत्ना जड़िया सावण सारा रथ। मेरा भाई ऐसा है ऐसी सुंदरता कोई कभी भी उनका बखान नहीं कर सकता वर्णन नहीं कर सकता। तो रथ है मेरे भाई का वो भी गणमोला रत्ना जड़िया मूल्यवान रत्नों से जड़ा हुआ है ऐसा सावण सा का रथ। नानी भाई ऊपर तीसरे मंजिल पर जाके एक छज्जे पर खड़ी हो गई और कहती सासू जी मेरा भाई है देखो आप मैं सत्य कहती हूं वो सब हाथ जोड़ते तू पगला गई ये नीचे उतर जा नीचे आ जा और ये छाजा पुराना है कहीं टूट गया तू नीचे मरेगी पड़ेगी मरेगी हमारे ब्याह में बिगड़ पड़ जाएगा। भाई उबी रंग रे छाजे गुड़ लारा गुजन बाजे भाई उबी रंग रे छाजे गुड़ लारा भाई खड़ी जरो का जाके देखो आयो माये रो माके भाई खड़ी जरो का जाके देखो आयो माये रो माके भाईरी शासन नंद लड़े छे मत नीचे आन पड़े छे भाईरी शासन नंद लड़े छे मत नीचे आन पड़े छे जो था जो छूट जड़े लो मारे ब्याह में विघ्न पड़े था जो टूट पड़े लो मारे ब्याह में बिगन करे लो अब माये रेरी भूखी तू तो बेस पैर बाढ़ूगी बहु माये रेरी भूखी तू तो बेस पैर बाढ़ूगी गाँव में ब्याव गणा छे जारे आवे बहुत जना छे गाँव में ब्याव गणा छे जारे आवे बहुत गणा छे कोई मारग बे तो आवे मारी बहु बिड़ वीर बतावे कोई मारग बे तो आवे वीर बतावे तारो बाप मायरे आयो सूर्यारी टोली लायो तारो बाप मायरे आयो सूर्यारी टोली लायो सूर्यारी टोली लायो सूर्यारी टोली भगवान की जय नरसिंह जी महाराज की जय। नानी भाई महाराज जो अपनी पुरानी हवेली उस हवेली के रंगीन जो है छाजे हैं उन छाजों के ऊपर जाकर के खड़ी हो गई
और सबको बता रही, देखो देखो जी मेरे माहिर आया, मेरा मेरे माहिर आया है, मेरा भाई आ गया है। बाहरी सास ननद लड़े छे मत नीचे आन पड़े छे। नानी भाई की सासू ननद कहती है तेरे हाथ जोड़ते तू नीचे आ जा, ये कहीं नीचे जे गिर जाएगी, जो छाजो टूट जड़े लो, ये पुरानी हवेली है, छज्जा पुराना है, तू छज्जे पर खड़ी है, तेरे वजह से ये छज्जा टूट गया, तू नीचे गिरेगी तो ब्याह में बिघ्न पड़े लो, तू मरेगी तो हमारे ब्याह में बिघ्न पैदा हो जाएगा। बहु माई जरी भूखी तो बेस पैर बैठ ढूकी, हम कब से देख रहे, जब से तेरा बाप आया है तब तू जो है मायरे के सुपन देखती है, खूब हमेशा नई नई साड़ियां पहनती है, तेरा तो ख्याल यही है। अरे पगली, गांव में ब्याह घना छे, जरा आवे बहुत जना छे, अभी गांव में शादियां बहुत है, उन सबके मेहमान आते हैं, जो भी आता है ये कहती मेरा भाई आ गया, कोई मार्ग बे तो आवे, हमारी बहू बड़ वीर बतावे, ये हमारी बहू कैसी पगली है, कोई मार्ग बेतावे जाता है तो कहता मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये ऐसा कहती है, कोई मार्ग में तो आवे, हमारी बहू बड़ी वीर बतावे, थोड़ा बाप मायरे आयो, सूर्यानी टोली हाथ साथ लायो, तेरा मायरा कभी आ गया, जब से तेरा बाप आया था उस दिन मायरा आ गया था, अब कहीं कोई मायरा बाकी रह गया। इस प्रकार सासू और नानी भाई से लड़ने लगे। नानी भाई ने अब तो विश्वास पूर्वक महाराज स्वाभिमान के साथ में कहा, सासू जी बहुत दबी, अब दबने वाली नहीं हूं, अब मेरा समय भी आ गया है। सासू जी धीरज धरो, आयो सावल साय, नरसी भरसी मायरो तन देशियों नेन दिखा। अब नरसी मेरा बाप मायरा भरेगा और इन आंखों से जो है आपको दिखाऊंगी मेरा भाई कितना सुंदर है। जीनी बांधे पागड़ी, जीनो सावल सारो साज, मोरा पाछे गाठड़ी बन गया आप बजा। भगवान ने अपनी संपूर्ण माया दो थी वैभव थी उसको समेट लिया और अकेले रह गए और शेर बन गए, एक माजन बन गए और एक गठड़ी कपड़े की गांठ माथे पर ले ली। और भगवान ने राधा रुक्मिणी से कहा, हम जा रहे हैं पुरुषों की जो पुष्प वर्ग है उधर जा रहे हैं, पुष्पवर्ग की और आप स्त्रियों के वर्ग में जाओ, अंदर जाओ और नानी भाई के आंगन में मिलेंगे वापस। इस प्रकार भगवान ने माया समेटी, अकेले बन गए। मैं आवा छा चोटे थे चालो गलिया, नानी भाई रे आंगने कर श्या रंगरलिया। वापिस वहां मिलेंगे। भगवान माजन मन गए और आवाज देवे, हेलो मारे सेठ जी थे दरवाजो खोलो, हेलो मारे सेठ जी दरवाजो खोलो, मायरो भरो तो कोई कापड़ो तो लियो, मायरो भरो तो कोई कापड़ो तो लो, तोड़ियो नराणो देवर आगल दिनी खोल, तोड़ियो नराणो देवर आगल दिनी खोल, कबो जिसे ताजी थारा कापड़ा रोमो, कबो जिसे ताजी थारा कापड़ा रोमो, सवा हाथ का कापड़ारा रुपया हजार, सवा हाथ का कापड़ारा रुपया हजार, सबूता था ना को तो अंतन पार, सबूता था ना को तो अंतन पार, इतना कपड़ा इतना महंगा कापड़ो तो नसी में तो लेसी, इतना महंगा कापड़ा तो नरसी में तो लेसी, जारे पल्ले रोकड़ी चे थोकड़ी गिन देसी, जारे पल्ले रोकड़ी चे थोकड़ी देसी, जाकने बंदी ते सेटा रुपया हंदी पोट, जाकने बंदी ते सेटा रुपया हंदी पोट, माते ऊपर टोपी रखे कड़िया में लंगोट, माते ऊपर टोपी रखे कड़िया में लंगोट, कड़िया में लंगोट, कड़िया में लंगोट। कृष्ण भगवान की जय, नरसिंह जी महाराज की जय। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, एक एक पद की दो दो लाइन ही गा रहा हूं। भगवान ने एक शेठ का स्वरूप धारण कर लिया, कपड़े की पोट बांध पीछे मोरों पर ली और आवाज लगाने लग भी, कोई कोई मायरा भरो तो कपड़ा दे लो,
नारायण देव दौड़ा और दरवाजा खोला, आगल खोल दी और पूछा, सेठ जी तुम्हारे कपड़ों का क्या मोल, क्या भाव है? भगवान सेठ गुरु बोले, सवा हाथ का कपड़ा का रुपया हजार, सवा कपड़े का हजार रुपया का भाव है। वो सबूत थाना को अंत न पार, यदि पूरा थान ले चाहोगे इसका कोई अंत और पार नहीं है। नारायण बोले, इतना महंगा कपड़ा तो नरसी में तो ले सी। बोले सेठो, इतना ही रुपया लेना है तो आप नरसी के पास जाओ, वो खरीदेगा, जाने पल्ले रोकड़ी से थोकड़ी गिन दे सी, उसके पास रोकड़ रुपए बहुत है, थोकड़ी एक बार में ही आपको सारे के सारे रुपए दे देगा, आप वहां जाओ। जहां कने बंदी छे सेठा रुपया हंदी पोट, माथे ऊपर टोपी कड़िया में लंगोट, बस ये दो ही कपड़े। भगवान हंसे, हंसना मुलकर बोलिया से, हरी नरसिंह जी आया से कहीं मिल जाए तो खरी, क्या सचमुच में नरसिंह जी आए हुए हैं? यदि वो आए हुए तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। ये बताओ कठे उतारिया नरसिंह जी से डेरा तो बताओ, नरसिंह जी को कहां उतारा उनका जो है डेरा बताओ, मिलवारी यदि संभव हो सके तो हमको अभी जल्दी मिलाओ। नानी भी कहा, नारायण अचंभे में डूब गया, उसका मुंह फटाफटा रह गया, सोचा रही नरसिंह को ये शेर कैसे जानता है। नानी भाई रो देवर ये पूछे से, नारायण थानी तो नरसिंह जी सेठा कद की पहचान, अरे सेठो आप नरसिंह को कब से जानते हो, क्या आप नरसिंह को जानते हो? भगवान ने कहा, मारे तो नरसिंह से बाला पूर्व लो व्यवहार, बहुत जन्मों जन्मों का हमारा उनका व्यवहार है, देसी तो ले जैसे, नहीं तो कर देसी हम उधार, यदि देगा तो ले लेंगे, नहीं तो उधार कर देंगे हम, क्या बात है। नारायण बोला, रे लोग कहते हैं अगम बुद्धि बाणियों पर तेरी अकल मारी गई है, बड़ो छेरे बाणी है तो मुरो के गिमार, मैं ते तो नशी से भया मत ही कर व्यवहार, तू बढ़िया है और कैसी बात कर रहा है, मेरी बात माने तो नरसी से लेन देन का व्यवहार मत करना, नवोड़ी हवेली जेठे ब्याह हंदी जान, फुटोड़ी दुकान बटे नरसीरा मकान, नहीं हवेलियों में तुम्हारे ब्याहों के डेरे लगे हुए हैं, लेकिन टूटी फूटी वो दुकान खंडर तो दिखाई दे रहा है, वहां नरसी को हमने ठहराया। इधर भगवान शेर के रूप में नारायण जी के साथ में बातचीत कर रहे हैं, उधर सूरदास थे, उन्होंने कान लगाए, ये आवाज तो जानी पहचानी है, इस आवाज को कहीं पहले सुना है, अनुमान लगाने लगे और बोले, नरसिंह जी देखो देखो, वो आदमी बोल रहा है जैसे कृष्णा खाती बोलता था, है ना, क्योंकि मार्ग में गाड़ी नहीं पूठी जिन रो बोल पिछाणियो, सूरदास की बात सुनकर जर नशीले जानियो, अब नरसिंह बोले हाँ अब आ तो गया, लेकिन आने खबर मिलते ही नरसिंह जी नाराज हो गए, राजी नहीं हुए, आप तो देखियो सावण नरसिंह बैठो तो रिसा है, भगवान आते देखा नरसिंह रूठ गए, ले जा थारी गांठड़ी, तू आयो शर्म गमाए, ले जा तेरी गांठड़ी नहीं चाहिए हमको, हमारी कितनी फजीती हुई हुई तू पता है, और अब आया। भगवान बोले, नरसिंह जी देखो, भगवान उठा के गांठड़ी सामने धरे नरसिंह जी के, स्वामी मेल गांठड़ी अपुटो फिर जावे, भगवान सामने धरे तो नरसिंह जी ने नरसिंह जी पूर्ण कर देवे, भगवान फिर सामने कर दो वापिस घूम जाए, नरसिंह ने सामरी तो माडा ही मनावे, भगवान जबरन उनको मना रहे, नरसिंह ऐसा मत करो, देखो अब तुम्हें आ गया ना, इकट्ठी ले आया देखो तो सही, बोले नहीं मुझे नहीं देखनी, हसने मुलकर बोलिया चे हरी, माई रो लयाचा नरसिंह देखो तो खरी, नरसिंह हंसते हंसते भगवान ने कहा, तो मारो लाए तुम मारो लाए आप देख तो लो, लेकिन नरसिंह जी नहीं देखने लगे, माडाणी दिखावन लागियो आंखिया लेनी मीच, भगवान जबरन दिखाने लगे, आंखें बंद कर ली मुझे नहीं देखना, और बोलियो ने शिवाय जी ने कान दी ना बीच और कानों में अंगुली डाल दी, ना मुझे देखना है ना सुनना, कितना देखो प्रेम भरा रूठना है भक्तों का भगवान से। भगवान बोले, बादिला भक्तों सैया कहीं तो करा, ऐसी तो जाना तो गांठ ब्याह के दर, ये हटीले भगत हैं बादिले भगत हैं, क्या करें हम इनका, ऐसा मालूम होता तुम्हें गठरी या नहीं लाते, हम ब्याहों के वहीं धर देते। भगवान ठीक नरसिंह आपकी मर्जी, चादर लागो सामने गांठ डी उठाए, भगवान ने गांठ डी वापिस झुला करके
मोरंग पीछे धरी चलने लगे। नरसिंह सोचा रहे तो कमाल हो गई, नरसिंह जी जाने हो रहे माटो ले ले जाए, सचमुच में तो लेकर जा रहा है। अब नरसिंह जी पीछे दौड़े, उबोरे रे सांवलिया तू ठाडो रे गोपाल, उबोरे रे सांवलिया तू ठाडो रे ल्यायोड़ी गाठड़ली माने दे जानंद लाल, ल्यायोड़ी गाठड़ली माने दे जानंद लाल। लारे लारे नरसी जेने आगल सांवल सा, लारे लारे नरसी आगे सावल सा, पोलिसो निकलता वारो गुपचो पकड़ो जा, पोलिसो निकलता वारो गुपचो पकड़ो जा। ठाकुर आगे नरसी नीरत करे, ठाकुर आगे नरसी जी नीरत करे, थासु मारा सावलिया बोलिया ही सरे, था तुम्हारा सांवलिया बोलिया सरे। बड़ा बड़ा कुंभारी भेंट धरे, बड़ा बड़ा कुंभारी भेंट करे, छोटी मोटी कुंभारी निश्रावल करे, छोटी मोटी कुंभारी निश्रावल करे। तुलसी जी की माला दीन गले में पहराए, तुलसी जीरी माला दीन गले में पहराए, गंगा गोली गोपी चंदन में लियो आगे लाए, गंगा गोली गोपी चंदन में लियो आगे आए। भगत बचल प्रभु सारे सब काज, भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नानी भाई रामाय रारी ठाकुर जी ने लाज, नानी भाई रामाय रारी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। इस प्रकार महाराज भगवान जब जाने लगे तो नरसिंह जी ने कहा, उबोरे रे सांवलिया ठाडो रे गोपाल, लेवड़ी गांठड़ी माने दे जा नंदलाल, हे प्रभु ठेरो ये गांठड़ी मुझे दे जाओ। लेकिन लारे लारे नरसिंह जी आगल सांवल सा, भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं और नरसिंह जी पीछे दौड़ रहे हैं, और पोलिसों निकलता मानो बुकचो पकड़ो जाए। भगवान दरवाजे से निकल रहे थे, नरसिंह जी पीछे जा रहे, वो गांठ थी गांठ में हाथ डाला और वो गांठ नीचे गिर गई। ठाकुर आगे नरसिंह जी नृत्य करे, अब भगवान के सामने नरसिंह जी नृत्य करने लगे, थासु मारा सांवलिया बोलिया ही सरे, हे परमात्मा आपसे बिना बोले कैसे रह सकते हैं, आपसे हमको बोलना ही पड़ेगा। तुलसी जी की माला दीनी गले में पहनाए, तुलसी की माला गले में पहना दी, गंगा गोली गोपी चंद मिलियो आगे लाए। इस तरह से महाराज समय काफी हो गया है, इसलिए अब आज का विराम यह देते हैं, एक भजन गा करके और फिर मैं विराम देता हूं। क्यों है आज वैसे ही पुरानी होना, कल ही पुरानी होना, आज क्या पुरानी चले। अच्छा ऐसा ठीक, यदि आप सब की भाई अनु क्यों के सब है? मैंने पहले कहा ना भाई मेहा कण नीम जे अति मेहा कण हाण, सबकी इच्छा नहीं रहना, एक भजन गा करके फिर मैं पूरा करते हैं। सब बैठो, एक भजन गाते हैं। नरसिंह जी का भाव है इसमें भजन में, एक भजन गा लेते। सनेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान, सनेही सांवरा रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान, नंद का लाडला रे थारी मोड़ी पड़ी पिछान। ये भजन गा करके फिर आरती करेंगे, थोड़ी देर बैठो आप
पांच मिनट का और बात, पांच मिनट सिर्फ। उजलो भारत देश हेरे थारा उजला संत सुजान, उजलो भारत देश हेरे थारा उजला संत सुजान, गीता थारी उजली रे, गीता थारी उजली रे, उजला वेद पुराण सनेही सावरा रे, थारी मोड़ी पड़ी ने पिछाण नंद का लाडला रे, थारी मोड़ी पड़ी ने पिछाण। तीरथ थारा उजलार समरा उजला देव स्थान, तीरथ थारा उजलार समरा उजला देव स्थान, उजली हिंद